Hyderabad, Neelam, and welcome to That Neelam Show. After spending an amazing day one in Bangkok, this is day two in Thailand. And aaj hum Koh Phangan ja rahe hain. Let's start the day by taking a flight from Bangkok to Surathani Airport. I'm going to Koh Phangan right now. So we'll take the bus from Surathani Airport. And it will reach to Don Sakya, and from there it will take us to Koh Phangan. The price is $550 per person, includes bus and ferry. Thank you. Bye. अगर आप कोटा जा रहे हो या कोई भी और अदर आइलैंड जा रहे हो तो आपके लिए भी सेम रूट ही होगा. आपको डॉनसैक पियर से फेरी मिलेगी. वो फेरी आपको यहाँ पर लैंड होने के बाद ही बुक करनी होती है. आप एडवांस में कर सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस कि अगर आप डिले हो गए, आपकी फ्लाइट डिले हो गई, तो आपके फेरी को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है. आपको रिस्केड्यूल करने को मिले ना मिले. बस हमारे सामने है, ये हमें लेके जाएगी डॉनसैक पियर तक, एंड वहाँ से विल टेक द फेरी. डॉनसैक पियर जो फेरी राइड है वो अराउंड 2 to 2.5 hours का होगा. आपके पास कुछ वेटिंग टाइम, बफर टाइम रहेगा अपनी फेरी से पहले. यहाँ पर एक अच्छा फूड कोर्ट रहता है, तो आप वहाँ पर कुछ खा लीजिए. आई एम गोना गो चेक सम ऑप्शंस टू ईट और मे बी हैव कोकोनट वाटर और समथिंग, देन वी विल हेड टू फेरी. सो दैट्स आवर फेरी दैट वी आर गोइंग टू बोर्ड राइट नाउ. Where is the line between dreaming and feeling blue? I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? पंसाला पहुंच के हमने सबसे पहला जो काम किया है वो बाइक रेंटल लिया है. दिस इज जैक, इनका शॉप एकदम थॉन्गसाला पियर के सामने ही कॉर्नर ऑफ द रोड पर है, एंड ही गेव अस रेंटल बाइक्स व्हिच आर इन ब्रांड न्यू कंडीशन. ओके, सो हम लोग थॉन्गसाला से स्कूटी रेंट के लास्ट 1.7 किलोमीटर का स्ट्रेच बॉटल बीच तक का इज सो बैड. लाइक आई कैन से ओनली डर्ट बाइक्स और कार्स में भी सिर्फ वो ही चल सकते हैं. यहाँ पे लिटरली बिल्कुल बीच में फंसे हुए थे, परेशान थे, एंड एकदम से एक अंकल आए हैं गाड़ी लेकर, एंड देन ही आस्क्ड अस दैट यू गाइस नीड हेल्प. और वो अभी अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं हमें यहाँ से ले जाने के लिए. ये गाड़ी बॉटल बीच टू बंगलोस की ही है. हमारी मॉर्निंग इस ब्यूटीफुल से बॉटल बीच टू पर हुई है. हम रह रहे हैं यहाँ पर ये बॉटल बीच टू बंगलोस पर. अपना दरवाजा खोला और सामने बीच है. ऐसा वाला वो जो फील है वो बहुत अमेजिंग है. प्लस दे हैव दिस रेस्टोरेंट व्हिच इज अमेजिंग. यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है. द प्राइसेस आर वेरी नॉमिनल. She's the amazing restaurant owner and she has been feeding us really well. Thank you so much, guys. यहाँ से इनके वो beach hut start होते हैं. So this is the beautiful bottle beach right behind me. क्लियर है यहाँ पर. यहाँ से ये बोट्स निकलते हैं. दीज बोट्स दे विल टेक यू Koh Phangan के ही जो आसपास के बीचेस, जो बाय रोड काफी लंबे हैं, वो आपको यहाँ से घुमा के लेके जाएंगे. वन वे 150 पर पर्सन,
एंड टू वे ऑब्वियसली 300 पर पर्सन, बट आप यहाँ पर इजिली बार्गेन कर सकते हो. कल रात को आपको बताया ना कि हम आते हुए एकदम स्टक हो गए थे. हमें एक्चुअली अपने बाइक्स वहाँ रास्ते में ही ड्रॉप करके आने पड़े. अभी हमें वापस जाके वो बाइक्स लेके आने हैं और उसके बाद निकलेंगे फांगान घूमने. वी रीच्ड वेयर वी ड्रॉप्ड आवर बाइक्स. कल ऐसे आसपास पूरा अंधेरा था और हम यहाँ पे बाइक ऐसे रख के चले गए थे, बट इट्स सेफ. Get some of the essentials. ऐसे different type के बहुत सारे आपको mini marts मिलेंगे आपको apart from 7-Eleven. ध्यान रखना है तो you can check कि 7-Eleven के prices जो हैं वो standard prices हैं. अगर आपको लग रहा है कि किसी ऐसे mini mart में बहुत ज़्यादा difference है, then you can maybe not buy anything from there and you can just go ahead and search for a 7-Eleven. जो 7-Eleven में जो बड़ी पानी की बॉटल है वो कुछ 16 बात की पड़ती है एंड मैंने एक जगह से लिया है, वहाँ पे मुझे 30 बात का पड़ा. You beautiful same Gangubai. Like Gangubai? I look like Gangubai. Thank you so much. If you have this and this. So you people watch Indian movies? Yes. But this the first movie is famous in Thailand. Every day they watch it. If you have been following my channel for long, you know कि मुझे गोवा में bike rides से बहुत मजा आता है. But Goa Phangan is amazing on another level. अभी हम ये एफी ज्यादा व्यू पॉइंट जा रहे हैं. सो दिस इज द प्लेस. यहाँ पर आप इजिली आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली वॉच सनसेट फ्रॉम हियर. यहाँ पे आके आप एकदम रिलैक्स कर सकते हो, कुछ खाना पीना है, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, हैव फन. सेकेंड स्टे को फांगान में इज माई पेन ड्राइव बंगलो और ये एक फैमिली स्टे बंगलो है. सो ये ड्यूप्लेक्स है एक्चुअली. वहाँ पर भी दो सिंगल बेड्स है एंड देयर इज अ डबल बेड हियर. बहुत ही अच्छे से वेंटिलेटेड है. यू कैन सी चारों तरफ खिड़कियाँ हैं एंड देन देयर इज दिस ह्यूज ग्लास डोर. और सुबह अपने बेड से उठ के दिस इज व्हाट यू सी. यहाँ पास में है थान सादित वाटरफॉल और यहाँ भी ना एक ऐसे वाला एंट्री वे है. बंगलो के 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये है थान सादित वॉटरफॉल. दिस इज टोटली एक्सक्लूसिव. यहाँ कोई नहीं है. Reached Blue Rama and the reception lady said this way is the restaurant, so let's go. After spending 2 nights in Mai Pen Rai bungalows, हमने लास्ट डे हादरन बीच पर स्पेंड किया.
दिस बीच इज नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ सीन्स एंड यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी और अमेजिंग फुल मून पार्टीज होती है. इट्स टाइम टू लीव फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोताओ. एंड अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी व्हाई कोताओ इज द मोस्ट स्पेशल डेस्टिनेशन ऑफ दिस एंटायर ट्रिप. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे बताओ अगर आपको इस ट्रिप को लेकर कोई भी डाउट्स है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे अमेजिंग माय फ्रेंड्स.